मेरठ में एक और गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवक ने पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवती के साथ गैंगरेप किया, उसके बाद वो पिछले 4 साल से लगातार दुष्कर्म कर रहा था। युवती जब इसका विरोध करती तो युवक उसकी वीडियो वायरल की धमकी देता था। युवती 4 साल तक आरोपी के चंगुल में फंसी रही। आज वो किसी तरह से हिम्मत कर SSP ऑफिस पहुंची और उसने SSP को आप बीती बताई। SSP नितिन तिवारी ने पीड़ित की बात सुनकर संबंधित थाने को मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। मैं अपनी मौसी के यहाँ रहती थी। वहाँ पे एक नीटू नाम का लड़का गाड़ी चलाता था। वो मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए अपने साथ ले गया कि आइसक्रीम खिला के लाऊंगा। मैं उसके साथ चली गई। वो अपने घर ले गया। घर ले आके उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। तो मैंने उससे बोला घर छोड़ गया, बोला अभी चलेंगे रुक जा। उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद मुझे पता नहीं कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या था। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे होश नहीं था। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे शरीर पे एक भी कपड़े नहीं थे। नीटू और नीटू के भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया दोनों ने, और अब तक 4 साल तक मेरे साथ गलत करते हुए आए। हाँ उसके पास है। हाँ ब्लैकमेल कर रहा था। कितने साल से ब्लैकमेल कर रहा हूँ? 4 साल से। क्या कह के ब्लैकमेल कर रहा हूँ? तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। तो आज आप यहाँ पे आए तो वीडियो वायरल नहीं होगी? आज कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने क्या रिस्पॉन्स दिया? उन्होंने बोला टीवी नगर थाने में ये रिपोर्ट भेजेंगे। सर, टीवी नगर थाना क्षेत्र में इस युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई, क्या कार्रवाई की? गैंगरेप का नहीं था मैटर। लड़की ने एक शिकायत की थी कि वो किसी ने उसको जो है झांसा देके अपने साथ रखा और दुष्कर्म करता रहा है काफ़ी लंबे समय तक। अब वो किस तरह से आई है तो उसकी शिकायत का संज्ञान लिया गया, इसमें जांच कराई जा रही है। जैसा भी होगा उसी हिसाब से सख्त कानूनी कार्रवाई तथ्यों के अनुसार की जाएगी।